नमस्कार आदाब सत श्री मैं हूं कपिल गाडपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर पब्लिशर्स दिस इज 11th एंड 12th ऑफ अप्रैल 2021 विद मी 11 और 12 अप्रैल 2021 में आप सभी का स्वागत है गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन ओके सो मैं कहता हूं मेरी आवाज आपको दिखाई दे रही होगी एंड अच्छे से सुनाई दे रही होगी दिखाई भी दे रही होगी सुनाई भी दे रही होगी लेट स्टार्ट विथ टूडे सेशन ग्यारह और बारह अप्रैल कुछ नए अंदाज में एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा के कार्ड पल नीचे लिखा हुआ है इस चैनल को ज्वाइन कर लेगा ताकि आपको कोई भी अपडेट आपको मेरे रिगार्डिंग मेरी क्लासेस के रिगार्डिंग मेरे पी डी रिलेटेड आपके छूटे ना राइट ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके सो नमूमन ये क्लास जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं ये क्लास सुबह सात बजे होती है ओके okay, इसी चैनल पर उसके बाद एक स्पेशल क्लास होती है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो कि फ्री रहती है और आठ बजे हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास होती है ये क्लास इस क्लास के तुरंत बाद आज सात बजे होगी अभी होगी जो हमारी नहीं हुई तो इस क्लास के तुरंत बाद आना मत भूलिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उस पर क्लिक कीजिएगा ज्वाइन कीजिएगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं अनकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और जब डाउनलोड कर ले उसके बाद कोई भी फ्री क्लास आपको देखने के लिए कोड पूछेगा तो अनलॉक करने के लिए क्लास को जो कोड लगाएंगे वो आप एन लगा लीजिएगा ताकि आप कोई भी फ्री क्लास वहां पर देख सके फ्री क्विजेज अटेम्प्ट करने हैं कुछ भी आपको करना है तो ये कोड आपका काम कर जाएगा राइट ओके ट स्टार्ट विद सेशन पहली न्यूज आपकी आई है एच डी एफ सी बैंक ओके एच डी एफ सी बैंक ने क्या कहा एच डी एफ सी बैंक यहां पर लेकर आया एक स्मार्ट ग्रांट्स टू ट्वेंटी वन सोशल सेक्टर स्टार्टअप स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने स्मार्टअप नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप्स के लिए स्मार्टअप नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है एच बैंक ने किसने किया है एच बैंक ने जो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन जो question, जो सिंपल सा क्वेश्चन वाला क्वेश्चन जो बनता है जिसको आप इजीली याद कर सकते हो वो है एच डी एफ सी बैंक स्मार्टअप एंड लिए दैट इट ओके सो आपका एक क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया इसमें से आगे चलते हैं अब इस न्यूज में आखिरकार क्या कहा जाता है क्या कहा गया इस न्यूज में आखिरकार क्या है ये न्यूज़ न्यूज़ पूरी पूरी की पूरी न्यूज अच्छे से 21 यहां पर चुने गए जो कि सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं और इनको आपका ग्रांट्स दिए जाएंगे पैसा दिया जाएगा ओके और ये पैसा आपका चुना गया ऐसे 300 300 एप्लीकेशंस यहां पर रिसीव की गई जिसमें से इन केवल 21 स्टार्टअप्स को चुना गया और उनको यहां पर ग्रांट्स दिया जाएगा एच बैंक की तरफ से यह ग्रांट्स कोई पहली बार नहीं दिया जा रहा है की तरफ से यह पहली बार दो में इनिशिएट किया जा चुका है पहली बार 2017 में किया जा चुका है और आखिरी चार वर्षों में एस ने इस तरह के 87 स्टार्टअप्स की मदद की है और उन्होंने 19.4 करोड़ रुपीज यहां पर इस इनिशिएटिव के तहत उनको दिए हैं और ये एच जो है ये स्टार्टअप्स को जो फंडिंग दे रहा है इस फील्ड में जो कि किस फील्ड में, में काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें यहां पर इनको फंडिंग दे रहा है और साथ में पार्टनरशिप किसकी है आई दिल्ली आई आई एम काशीपुर एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा इन सबकी यहां पर इनमें यहां पर कंट्रीब्यूशन रहा है अब यहां पर यह तो न्यूज हुई आपकी इसमें से क्वेश्चन जो यहां तक आएगा वो ये आएगा कितनी इस बार चुनी गई ट्वेंटी वन चुनी गई कब ये इनिशिएट किया गया था 2017 में इनिशिएट किया गया था अब तक कितनी फंडिंग दी जा चुकी है 19.4 करोड़ फंडिंग दी जा चुकी है टोटल कितने स्टार्टअप्स को दिया जा चुका है 87 सेवन को दिया जा चुका है एच डी एफ सी ने पार्टनरशिप बहुत के साथ किया अकॉर्डिंग टू मी आप याद नहीं कर पाओगे फिर भी याद कर सको तो कर लेना छोड़ना चाहो तो छोड़ देना किस किस के साथ इन्होंने टाइप किया है अब देखो यहां पर एक चीज सोचने वाली आती है कि आखिरकार एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी बैंक यहां पर आपका ओके okay. एच डी एफ सी बैंक ने आखिरकार यहां पर जो ये फंडिंग दिया है ये फंडिंग क्यों दिया है ग्रांट दे दिया मतलब पैसा दे दिया मतलब क्या कोई डोनेशन था क्या था क्या नहीं था देखो जो भी स्टार्टअप्स होती हैं पहली चीज तो अच्छा देखते हैं स्टार्टअप्स आखिरकार क्या होती है आपको पहले ये तो पता होना चाहिए आखिरकार स्टार्टअप्स होता क्या है कौन सी कंपनी आखिरकार स्टार्टअप कहलाती है पहली तो ये चीज है कि डीपीआईआईटी हमारा जो डिपार्टमेंट है वो आपका अनाउंस करता है कि स्टार्टअप कौन कौन सी कंपनी हुई पहला इसमें क्राइटेरिया है कंपनी की एज अगर कंपनी जो है वो ऑपरेशन में उससे 10 साल से ज्यादा नहीं हुए 10 साल से ज्यादा उसको नहीं हुए शुड नॉट बी एक्सीडिंग 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब वो स्टार्ट हुई थी कंपनी का टाइप इट शुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का यह मतलब है कि वो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट पे लिस्टेड नहीं होनी चाहिए उसकी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए शेयर मार्केट पर वो नॉर्मल पर्सन कुछ ग्रुप में होनी चाहिए कुछ ही लोगों के पास उसके शेयर होने चाहिए नॉर्मल पब्लिक के पास उसके शेयर अवेलेबल नहीं होने चाहिए कि कोई भी जाकर उसको परचेज सेल कर सके उसके शेयर को जो हम नमूमन देखते हैं शेयर मार्केट में होता है दूसरा इसमें पार्टनरशिप फॉर्म लिखा है पार्टनरशिप फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जो दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के मिलकर बनाई जाती है ओके okay, और तीसरा इसमें फंडा लिखा है लिमिटेड पार्टनरशिप पार्टनरशिप देखो Partnership में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो कोई भी पर्सन इनमें से जो भी उसका पार्टनर होता है उसकी एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कहने का मतलब है अगर उसने कहीं से कोई पैसा ले लिया उधार ले लिया तो एक पार्टनरशिप फॉर्म की तो लाइबिलिटी बनेगी बनेगी कि उसको पैसा लुटाए बट उसके जो पार्टनर है उसकी भी लाइबिलिटी बनेगी यानी कि पार्टनर की खुद की जो जमा पूंजी है जो उनकी खुद की असेट है उसमें से पैसा उठाकर उनको दिया जा सकता है एक तो होती है अनलिमिटेड दूसरा वर्ड यहां पर लिखा है लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि ऐसे पार्टनर जिनकी लाइबिलिटी एक सीमित है उनकी लाइबिलिटी एक अमाउंट तक सीमित है कि इतनी ही हम अपनी लाइबिलिटी है हमारी हम इतनी ही देनदारी करेंगे अगर इन केस पार्टनरशिप फर्म अगर पूरा पैसा नहीं चुका पाती है तो दैट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये डिफरेंस होता है अनलिमिटेड एंड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात है नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना छोड़ दो टेंशन नहीं लेनी सिर्फ इतना याद कर लो कि कौन कौन सी प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप Annual turnover. Turnover means उसका साल साल में में कितनी उसकी सेल हो साल में उसकी होगी। से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Any of the since its incorporation. उसके इनकॉर्पोरेशन जब से वो स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसका जो सेल है वो हंड्रेड करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ओके okay. नेक्स्ट है एंटिटी शुड नॉट हैव बीन स्प्लिटिंग अप और है ऑलरेडी एक्जिस्टिंग बिजनेस यानी कोई ऑलरेडी कोई बिजनेस ऐसा चल रहा है उसी को मिक्स कर दिया उसी को तोड़ दिया कोई और बिजनेस में से हिस्सा निकाल लिया नया बिजनेस सेटअप कर लिया नहीं होना चाहिए ऐसा नेक्स्ट

गई है किसके द्वारा एचडीएफसी बैंक के द्वारा ठीक है ओके ओके सो यहां पर यह स्टार्टअप के द्वारा जो फंडिंग दी गई है स्टार्टअप को फंडिंग दी गई बैंक ने अब इस जो फंडिंग को आखिरकार कहते क्या है इस फंडिंग का नाम होता है एंजल फंडिंग एंजल फंडिंग एंजल फंडिंग एंजल फंडिंग कौन करता है एंजल फंडिंग हमेशा एंजल इन्वेस्टर करता है अब एंजल इन्वेस्टर क्या होता है एंजल जो आपका फरिश्ता जिसको कह सकते हैं अब फरिश्ता जो स्टार्टअप्स होते हैं बिल्कुल अभी नया नया कंपनी स्टार्ट किया नया नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको फंडिंग की जरूरत होती है उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है तो कुछ फरिश्ते आपके आसमान से आते हैं और कहते हैं कि लो पैसा ले लो और अपनी कंपनी में उसके बदले में हमें थोड़ा बहुत हिस्सा दे दीजिएगा अब ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं इन एंजल इन्वेस्टर को फायदा क्या हुआ या ये ऐसा क्यों करते हैं

प्रॉफिट कमा सकते हैं तो वो आज की डेट में उनमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा यानी कि शेयर के फॉर्म में हिस्सा उस कंपनी में उनको मिल जाता है है और अभी स्टार्टिंग फेज है, जब ये ये कंपनी कंपनी ग्रोथ करेगी तो डेफिनेटली में जिस तरह का प्रॉफिट होगा तो ऑलरेडी हम इसका हिस्सा खरीद चुके हैं तो हमारा हिस्से की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होगी प्लस हमें प्रॉफिट भी फ्यूचर में देखने को मिलेगा अगर उतना ही पैसा आज की डेट में मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूं तो वो उतना फायदा मुझे

एंजल फंडिंग जब दी जाती है तो कंपनी के शेयर जो है उनको सेल किया जाता है बट कंपनी के शेयर की प्राइस ऑब्वियस है अब मैंने मान लीजिए मैंने 100 शेयर उसको बेचे अब 100 शेयर जो है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी तो मार्केट में क्या कहा क्या किया जाता था मार्केट में ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में उसकी प्राइस जो है शेयर की जानबूझ के ज्यादा दिखा दी जाती थी एक स्टार्टअप कहता था कि शेयर है और हर एक शेयर की प्राइस सौ रुपए है तो उसको वो फंडिंग उतनी मिल जाती थी बट यहां पर एक्चुअल में जो उस शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो उतनी नहीं होगी वो सौ रुपये ना होकर अस्सी रुपए होती थी जबकि उसको ऐसा दिखाया जाता था कि उसकी प्राइस सौ रुपए है जबकि एक्चुअल अस्सी रुपए तो रुपए की कोई चीज सौ रुपए में दी जाती थी ये आपका फंडा होता जो बीस रुपए होते थे वो आपके एक, एक एक्स्ट्रा उनको इस तरह तो की और ऐसे बहुत सारी एंजल फंडिंग को रोकने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू पे शेयर को प्राइस करने के लिए एक एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया और कि ये एंजल टैक्स लगाया

ताकि ये जो ब्लैक मनी है उसको टिकाने लगाया जा सके बीस रुपए फालतू देकर ब्लैक मनी को इंडिया में इंट्रोड्यूस दोबारा से किया जा सके इन दी व्हाइट मनी इस चीज को रोकने के लिए यहां पर 2012 में ये चीज की गई थी रिसीव एंजल फंडिंग हायर देन फेयर मार्केट वैल्यू ओके सो so, ये है आपका एंजल फंडिंग एंजल टैक्स तो यहां पर अब देखो एच बैंक ने केवल और केवल इक्कीस को चुना है 300 21 को। 21 को हाँ और फ्यूचर में उम्मीद करता हूं ये पूरी -पूरी आपको समझ में गई होगी राइट ओके चलिए ये स्टार्टअप्स की बात हो गई हमारी ठीक है एक और एच से न्यूज आई है दैट इज दी एच लिमिटेड ने एक्वायर किया नाइन पॉइंट नाइन परसेंट स्टेक इन केरला बेस्ड सेट मैनेजमेंट कंपनी ओके केरला बेस्ड असेट मैनेजमेंट कंपनी केरला इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेजमेंट लिमिटेड एच बैंक ने यहाँ पर 9.9 परसेंट स्टेक यहाँ पर हासिल किया है 9.9 परसेंट स्टेक यहाँ पर हासिल किया है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कंपनी में अभी हाल ही में एक्सिस बैंक की जो सब्सिडरी है एक्सिस कैपिटल लिमिटेड एंड एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड दोनों ने अभी बारह स्टेक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी अभी हाल ही में ये हुआ था एक इनमें एक्वायर ओके और अभी हाल ही में यह जो न्यूज है इसमें एच ने नाइन परसेंट स्टेक केरला इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट लिमिटेड में हासिल किया है ओके ये नीचे के आई एफ एम एल के बारे में लिखा हुआ है और एच बैंक के बारे में सो so, दोनों की दोनों न्यूज आपकी एच बैंक से हुई अगली न्यूज हमारी आई है एनसीएमएल एनसीएमएल एनसीएल इसकी टैगलाइन है और दूसरा है एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ये आपकी ए इन दोनों ने एमओ किया है इन दोनों ने आपका एमओ किया है सो एम साइन किया है एनसीएमएल ने किसके साथ ए के साथ ओके आगे चलते हैं एनसीएमएल कोलेट्रल मैनेजमेंट लिमिटेड नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट लिमिटेड ने साइन किया है एमओयू विद द एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया और यह किस लिए दिया है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी एग्रीकल्चर सेक्टर में यहां पर एंड दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पी एम के वी वाई यहां पर यह पी एम के वाई रिसेंटली जनवरी 2021 में इसका थर्ड वर्जन लॉन्च किया गया था यह आपका नेशनल कोलेक्ट्रल मैनेजमेंट लिमिटेड ने किया है जिसका ऑफिस गुड़गांव में है रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है एस आई ए एस आई आपका गुड़गांव में है ओके सो यह आपकी ट्रेनिंग इतना है इसमें आगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में लिखा हुआ है ठीक है अब यहां पर एक चीज है यहां पर नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट लिमिटेड नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट लिमिटेड क्या काम करती है कोलेट्रल क्या होता है कोलेट्रल वर्ड होता है आपका किसी चीज को गिरवी रखना ठीक है गिरवी रखते हैं हम बैंक में कोई भी चीज गिरवी रखते हैं उसके दो तरीके होते हैं गिरवी रखने में दो चीजें होती हैं एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी एक होती है कोलेट्रल सिक्योरिटी कहीं भी कोलेट्रल वर्ड आता है तो हम यही सोचते हैं कोलेट्रल का मतलब गिरवी रखना कोलेट्रल हमने सिक्योरिटी दे दी बट सिक्योरिटी दो तरीके की होती है अकेली कोलेट्रल नहीं होती प्राइमरी भी होती है कोलेट्रल भी होती है ठीक है सो देर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी वन इज द प्राइमरी सिक्योरिटी अनदर वन इज द कोलेट्रल सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी में क्या होता है प्राइमरी सिक्योरिटी में आपने जिस पर्पज से लोन दिया है जिस किसी भी पर्पज से आपने लोन दिया है वही चीज अगर आप गिरवी रखते हो तो ऐसी चीज जो गिरवी रखी गई है उसको हम हमारी बैंकिंग टर्म में प्राइमरी सिक्योरिटी कहेंगे ठीक है और दूसरी अगर कोई भी चीज आपने लोन लिया है उस चीज को तो आपने गिरवी रखा जिस परपज से आपने लोन लिया है बट उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कोई चीज लोन के में गिरवी रखते हो तो उसको हम कोलेट्रल सिक्योरिटी कहते हैं एग्जाम्पल अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है हाउसिंग लोन में आपने हाउस किस लिए लिया लोन आपने हाउस को बनाने के लिए हाउस को कंस्ट्रक्ट करने लिया हाउस को परचेज करने के लिए बैंक ने वही हाउस आपका गिरवी रख लिया तो वो हाउस आपका प्राइमरी सिक्योरिटी का रहेगा जिस परपज से आपने लोन लिया वही परपस आपने वहां पर गिरवी रख दिया अब बैंक कहता कि आपका हाउस अकेला गिरवी रखना हमारे लिए फिजिबल नहीं है या फिर हमारे लिए कम अमाउंट है आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे दिए तो उसका पड़ोस में एक और घर था तो उसने बैंक में वो घर भी गिरवी रख दिया तो दैट इज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो दी गई एक और एग्जाम्पल लेते हैं अगर आप शॉप में शॉप आपकी है बिजनेस है आपका तो बिजनेस में आप जो बिजनेस लोन लेते हो जिसको हम कैश क्रेडिट लिमिट कहते हैं अगर बैंकिंग की भाषा में तो कैश क्रेडिट लिमिट जो ली जाती है वो ली जाती है आपकी स्टॉक एंड दी डेटर्स के लिए मतलब जो सामान आपके वहां पर पड़ा है दुकान पे या फिर आपने किसी को उधार दिया है तो वो जो उधार दिया है वो जो सामान पड़ा है उसके अगेंस्ट हमारी एक लिमिट बैंक बना के दे देता है जिसको हम कैश क्रेडिट लिमिट कहते हैं हमने बैंकिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा है चीज को अभी मैं शॉर्ट एंड स्वीट में समझा रहा हूं आपको सो so, उसके अगेंस्ट जब हमने गिरवी रखा और उसके अगेंस्ट हमने कैश क्रेडिट लिमिट बना ली अब जो कैश क्रेडिट लिमिट बनाई है उसमें स्टॉक एंड डेटर्स को गिरवी रखा गया यानी कि जिस पर्पज से की हमने लिमिट उसी चीज को गिरवी रख दिया यानी कि स्टॉक एंड डेटर्स आपके प्राइमरी सिक्योरिटी हुए अब यहां पर बैंक कहता है स्टॉक गिरवी नहीं रखोगे इसके अलावा कुछ और गिरवी रखिएगा तो गिरवी जो रखा जाएगा एक्स्ट्रा जो चीज गिरवी रखी जाएगी वो आपकी कहलाएगी कोलेटरल सिक्योरिटी और बैंक कहता है अपनी शॉप को गिरवी रखी तो दैट इज अ कोलेटरल वन दैट इज अ कोलेटरल सिक्योरिटी जो हमने गिरवी रखी अब एक और चीज आपको ध्यान में होगी मुद्रा योजना मुद्रा योजना जो हमने कल परसोई पढ़ी थी उसके तहत आपके जो दस लाख तक ध्यान देना वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं ध्यान देना दस वहां पर क्या लिखा होता है वहां पर लिखा होता है कि दस लाख तक का लोन कोलेट्रल फ्री लोन है वहां पर वर्ड लिखा होता है दस लाख तक का लोन कोलेट्रल फ्री लोन है वहां पर यह नहीं लिखा होता दस लाख तक का लोन सिक्योरिटी फ्री लोन है दस लाख तक का लोन प्राइमरी सिक्योरिटी फ्री लोन है क्योंकि दस लाख तक के लोन में प्राइमरी सिक्योरिटी दी जाती है कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं दी जाती ये मुद्रा योजना में एक अच्छा पॉइंट है जो हम नॉर्मली भाषा नॉर्मली हम इस चीज को नहीं देखते हैं बट ये एक बहुत ही एक अच्छा पॉइंट निकलता है कि उसमें से प्राइमरी सिक्योरिटी मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया मैंने स्टॉक और डेटर्स को तो गिरवी रखे दैट इज प्राइमरी सिक्योरिटी मैं गिरवी रखूंगा बट बैंक कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं मांग सकता यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं मांग सकता जिस काम के लिए लोन ले रहे हो वो तो आपको गिरवी रखना ही पड़ेगा बैंक के पास अगर आपने कोई एक लोन लिया मान लीजिए आपने जिम का काम किया तो जिम में जो इक्विपमेंट्स हैं वो बैंक के पास गिरवी रहेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी रहेगी बट बैंक उसकी शॉप को दोबारा से एक्स्ट्रा फॉर्म में गिरवी रखने के लिए नहीं मांग सकता तो वो मतलब होता है आपका कोलेट्रल फ्री लोन का ये डिफरेंस होता है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट लिमिटेड में डील करता सामान स्टोर करते है, और जिसके में देता है अगर आपने बैंकिंग पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको कैश क्रेडिट प्लेज का एक एग्जांपल दिया था सीसी प्लेज मैंने बताया था ना आप हाईवे पे जाते हो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज बने होते हैं तो उनमें से बहुत सारी कंपनीज इंडिया में जो इन वेयर हाउसेज को मैनेज करती हैं उनमें से एक कंपनी है नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट लिमिटेड वो उन वेयर हाउसेज को मैनेज करती हैं और ये सारा का सारा जो कैश क्रेडिट प्लेज का फंडा है जो वेयर हाउसिंग का फंडा है वो इन्हीं कंपनी में से एक कंपनी ये सब मैनेज करती है ओके okay. ठीक है उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा चलो आगे चलते हैं ये पीएम के वी के बारे में पढ़ लेना आराम से तसल्ली से जो चीज लिखी हुई है यहां पर ठीक है कब कब स्टार्ट हुई थी अभी थ्री पॉइंट ओ के बारे में हम बात करें तीन पॉइंट ओ की जो अभी रिसेंट जनवरी की न्यूज है नेक्स्ट न्यूज आई है अभी हाल ही में स्मॉल सेविंग स्कीम से हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन थ्रू स्मॉल सेविंग स्कीम्स स्मॉल सेविंग स्कीम्स पहले तो देख तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होता क्या है फिर इस पे चलेंगे ओके नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स कह लीजिए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वॉस्टैब्लिश इन नाइन फंड जो है एडमिनिस्टर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर थ्री हेड्स पहली चीज है पोस्टल डिपॉजिट दूसरा सेविंग सर्टिफिकेट तीसरा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम नाम आपने सुने होंगे पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट खुलवाते हो टर्म डिपॉजिट खुलवाते हो रेकरिंग डिपॉजिट खुलवाते हो एनएससी ओपन कराते हो किसान विकास पत्र पीपीएफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसमें सुकन्या समृद्धि योजना भी ऐड कर सकते हो इसमें सुकन्या समृद्धि योजना ठीक है सुकन्या समृद्धि योजना एस एस वाई ठीक है सो so ये आपकी कुछ स्कीम्स है जिनको हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कहते हैं दर्जा देते हैं इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज होते हैं एवरी क्वार्टर अभी रिसेंट एक न्यूज आई थी मैंने क्लास में नहीं करवाई वो न्यूज एवरी क्वार्टर यानी एवरी क्वार्टर यानी कि अप्रैल में क्वार्टर स्टार्ट हो गया तो यानी कि अप्रैल में तो नए स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट आने चाहिए था ना जी हाँ स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट आए थे एवरी थ्री महीने बाद वो रिवाइज होते हैं रिवाइज नहीं हुआ तो चेंज नहीं हुआ तो बट एक न्यूज जरूर आती है कि अगले तीन महीने तक ये रिवाइज नहीं है सेम टू सेम जो पिछले क्वार्टर में थे वो ही रहेंगे बट इस बार न्यूज आई थी और इस बार स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए गए थे बट तुरंत उसी के बाद निर्मला सीतारमन जी का एक बयान आया उन्होंने बयान दिया कि जो भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए डाउन किए गए इनको रोल बैक किया जाए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस ले लिए और इसी कारण मैंने वो न्यूज क्लास में करवाई भी नहीं थी काफी स्टूडेंट्स हो सकता है अभी भी सोच रहे हो सर वो न्यूज क्यों नहीं करवाई आपने उस न्यूज को तो 11 दिन हो गए उसी कारण के लिए नहीं कराए थे क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने रोल बैक कर लिए थे ठीक है हो सकता है आपने न्यूज पढ़ लिया हो बट बाद में जो रोल बैक किया वो न्यूज ना पढ़ी इसलिए आप कंफ्यूज हो क्योंकि उन्होंने नहीं करवाई न्यूज ठीक है तो इसका मतलब वो चीज राइट ओके सो नेशनल सेविंग स्कीम हो गया ये वाला फंडा अब यहां पर क्या किया गया स्मॉल सेविंग में कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है यहां पर और यह सबसे ज्यादा मिला है वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल का ये फिगर और ये डाटा आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु उम्मीद करता हूं आपको कलर्स अलग अलग दिख रहे होंगे मुझे भी वैसे अलग अलग दिख रहे हैं ठीक है बावजूद मुझे कलर ब्लाइंडनेस है बट स्टिल मैं कुछ डिफरेंस तो समझ पा रहा हूं कि क्या क्या डिफरेंस है और ऐसा केस आपके साथ नहीं होगा

क्या कर सकते हैं उसमें राइट right. तो टेंशन ना लिया करो बहुत टेंशन लेते हो तुम लोग चलो ठीक है ये डाटा वाटा देख लेना कुछ नहीं है इसमें डाटा याद करने वाला फंड है वेस्ट बंगाल एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर नब्बे हजार करोड़ कंट्रीब्यूशन किया 2017-18 में ये सारी स्कीम्स में ये अपना स्टेट वाइज है ठीक है ये नब्बे हजार को टच किया इन्होंने ठीक है 17-18 की हम बात कर रहे हैं

देंडबुक हाईलाइट द नीड फॉर बिजनेस टू एडोप्ट ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेजम अब यहां पर क्या हुआ है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेजम्ड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देंड बुक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट्स कोर्ट के बाहर अगर आप ऑनलाइन निपटारा करना चाहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू तो ये चीज आपकी की गई है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सच एज मीडिएशन नेगोशिएशन आर्बिट्रेशन अलग अलग टाइप्स है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है लॉ की टर्म्स में ठीक है जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में सो so, यहां पर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ऑन इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉ लॉ दी दिस वन इन 1980 एंड मॉडल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985 ओके सो उसके बाद इन्होंने रिकमेंड किया कि यहां पर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की आवश्यकता है इससे रिलेटेड अभी हाल ही में यहां पर नीति आयोग के द्वारा एक हैंडबुक को रिलीज किया गया है राइट ओके सो जस्ट ये न्यूज पूरी की पूरी में सार जो इस न्यूज का वो यही है कि आपका हाल ही में ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक किसने रिलीज किया नीति आयोग ने रिलीज किया है और इसमें ये जो दो लाइंस हैं और ये जो दो लाइंस है जिसमें ईयर्स दे रखे हैं ये ईयर्स थोड़े से याद रख लीजिएगा ईयर्स का खेल है यहाँ पर ईयर्स पूछ सकते हैं ठीक है बाकी न्यूज आपकी समझने के लिए है जो क्वेश्चन है वो नीति पूछ सकते हैं और ये नाइनटीन एट्टी फाइव और नीति आयोग में आप जो हमेशा कन्फ्यूज होते हो वो इसमें कन्फ्यूज होते हो तो प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा कल के एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा हु इज वाइस चेयरपर्सन तो आप अमिताभ कांत क्लिक कर दोगे मैं पूछूंगा आप राजीव कुमार क्लिक कर दोगे तो थोड़ा सा ध्यान से किया करो ऐसे क्वेश्चन को राइट ओके नेक्स्ट चलते हैं इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इन वाटर सेक्टर ओके सो यहां पर आपका ड्यूरिंग दिस समिट इंडिया नीदरलैंड लॉन्च पार्टनरशिप ऑन वाटर पानी के ऊपर एक यहां पर इंडिया नीदरलैंड के बीच में एक समझौता किया गया पानी के ऊपर अंडर द पार्टनरशिप द कंट्रीज टू एलिवेट दी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ए वॉटर टू मिनिस्ट्रियल लेवल ओके वॉट के ऊपर वॉटर बस्टिंग कन्वर्टिंग वॉटर वेस्ट वॉटर टू एनर्जी डी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी वॉटर टेक्नोलॉजी एबीसी एक्स वाइजी सी डी एफ जी एच आई जेके एल एम एन ओपीआर यूवीडब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ कुछ किया गया से इंडिया ने हाल ही में कौन सी कंट्री के साथ राइट ओके सो यहां पर आपका इंडिया का नीदरलैंड के साथ वाटर सेक्टर में यह टाइप हुआ है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूते हैं करेंसी यूरो है एंड एमस्टर इसकी कैपिटल है यहां पर देख सकते हैं इंडियन सेशल्स के बीच में इंडियन सेशल्स के बीच में एक हाई लेवल वर्चुअल इवेंट हुआ यहां पर ये ओके हाई लेवल वर्चुअल इवेंट हुआ और यहां पर पड़ी वर्चुअल इवेंट हुआ था ये पिक्चर कोई पुरानी होगी ठीक है तो फिलहाल ये वर्चुअल इवेंट था और ये बहुत ही शानदार पानी के गिलास पड़े हैं यहाँ पर इन गिलास को देखकर मुझे हैरी पॉटर की मूवी याद आ गई ठीक है ऐसे गिलास उसमें होते थे मतलब तो कमाल है यहाँ पानी पीने के लिए भी ऐसे गिलास है हम लोग तो स्टील के गिलास में पानी पीते हैं यार प्यास ही उससे बचती है स्टील के गिलास में पानी प्यास बजती है पता नहीं क्या कांच का। के गिलास में पानी पी के प्यास ही नहीं बुझती कभी है होता ना होता है तो ना ऐसा आप लोग स्टील के गिलास में पानी ना पियो तो ना मजा नहीं आता एक इंसान ना तृप्त नहीं होता बोलता ना तृप्ति चाहिए वो तृप्त नहीं होता तृप्ति मतलब किसी लड़की का नाम हो तो बुरा मत मानना मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हो है ना चलो आगे चलते हैं इंडिया सेशल्स हाई लेवल वर्चुअल मीट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सीडेंट रामकलवन पार्टिसिपेटेड इन द द इवेंट इवेंट ड्यूरिंग दूरिंग सेवरल डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोजेक्ट फंडेड बाय इंडियन सेशल्स द प्रोजेक्ट आर इन लाइन विद मोदी विजन ऑफ सागर सागर क्या है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ओके सो ये है सागर इसके तहत यहां पर इंडिया सेशल्स के बीच में किया गया है और इसमें प्रोजेक्ट सेशल्स, सेशल्स में पहला ऐसा कोई प्रोजेक्ट था जिसके लिए 3.5 मिलियन डॉलर यहां पर दिए गए इंडिया की तरफ से जॉइंट इनिग्रेशन ऑफ वन मेगावॉट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट यह भी इंडिया की तरफ से दिया गया था पैसा इसके लिए टेन इंडियन हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेशन में इनग्रेट किए गए ट्वेंटी देशों के बीच में 29 नाइन प्रोजेक्ट्स यहां पर काउंट किए गए हैं ओके सो जो इन्होंने एग्जीक्यूट करने का फैसला किया है राइट ओके नेक्स्ट चलते हैं इसी में आप याद करते हैं क्या क्या चीजें हैं वेवल रामकलवन पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट ओके okay. सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन न्यू मेजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग विक्टोरिया में कैपिटल सिटी ऑफ सेशल्स पहले इंडिया 3.5 मिलियन याद रख लेना ये आपका किया गया इंडिया की मदद से इसके अलावा वहां पर सोलर पावर प्लांट भी लगाया गया 1 मेगावाट का और ऐसे 10 इंडिया के तरफ से हाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेशल्स में इनिग्रेट किए गए और ट्वेंटी टोटल प्रोजेक्ट को यहाँ पर टेकअप किया गया फर्दर एग्जीक्यूशन उनका किया जाएगा अब यहां पर इंडिया सेशल्स के बीच में इतना कुछ हुआ है अब आप में से काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर याद नहीं होता याद नहीं होता सर इतना डाटा है याद नहीं होता ठीक है देखो याद करने का एक ही तरीका है रिवीजन करो ठीक है अब कहते हैं सर रिवीजन भी नहीं हो रहा तीन घंटे लग रहे हैं चार घंटे लग रहे हैं इतना कुछ कैसे करें इतना कुछ कैसे करें नब्बे परसेंट के चक्कर में सौ कैसे करें सौ के चक्कर में नब्बे भूल जाएंगे करना तो पड़ेगा बहुत लोग कर रहे हैं आप नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे बस मैं तो यही कहूंगा ठीक है हाँ ये है कि आप सोर्स बदल सकते हो अगर आपको याद नहीं हो रहा मैं तो जस्ट वही कहूंगा फ्रेंकली बोलता हूं सीधा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर हजार आए दो हजार आए या तीन सौ आए मैं तो फिर भी पढ़ाऊंगा ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे अभी पढ़ा रहा हूं यहां पर बस फर्क ये आता है कि ये बहुत सारा आपको डाटा लगता है आपको लगता है कि याद नहीं हो रहा और दूसरे का आपको लगता है कि याद हो जाती हैं चीजें दूसरे का याद इसलिए हो जाती है क्योंकि चीजें इतनी करवाई जाती हैं अगर मैं इतनी चीज कराऊं आपको वाह सर क्लास में याद हो गया वाह सर क्या पढ़ाते हो आप तो कमाल कर दी सर क्या बात है सर आपकी तो आवाज में ही जादू है क्लास में ही याद हो गया अब नीचे वाला कौन करवाएगा बात तो वही है ना क्वेश्चन तो नीचे वाले से आ गया तो कैसे कराओगे याद करके क्या करोगे उस चीज को इन दो लाइनों को इन चार लाइनों को याद करके क्या करोगे ये भी तो टाइम वेस्ट कर गया जब क्वेश्चन तो ये यह यहां से आ गया क्वेश्चन तो पूछ लिया मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग कौन सी कंट्री की बनाई गई है इंडिया की तरह तो, क्वेश्चन तो यहां से आ गया उन्होंने उठा के बस इतना पढ़ा दिया कुछ तो सोचो दिमाग लगाओ बच्चे नहीं हो यार जो बातें तुम लोग करते हो वो सिक्स के क्लास के बच्चे किया करते थे ग्रेजुएट हो तुम कुछ तो सोचो कंपटीशन कंपटीशन का का लेवल लेवल इतना इतना गंदा गंदा है है ना है ना कि तुम नहीं करोगे ना तुम बोलते रह जाओगे बोलते रह जाओगे सर ये करा दो वो करा दो सजेशन देते रह जाओगे कम कराओ ज्यादा कराओ ये करवा दो वो करा दो वहां से करा दो वहां से चिड़िया तोड़ लो वहां से चील तोड़ लो वहां से ये कर लो वो वो कर लो कोई और इतनी देर में जितनी देर तुम ये करते रह जाओगे उतनी देर में तो कोई और पीडीएफ को रट चुका होगा चलो आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं एक इंडिया की तरफ से यहां पर एक वेसल भी दिया गया कंट्रीब्यूट किया गया पी एस जोरोस्टर सेशल्स को दिया गया इट हैज बिन फिल्ड बिल्ड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा 100 करोड़ यहां पर इसकी कोस्टिंग आई थी 48.9 मीटर फास्ट पेट्रोल वेस्ल एस जोरास्टर इसका नाम था सेशल्स को दिया गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जीआरएससी के द्वारा दिया दिया गया गया करोड़ इसकी कोस्टिंग थी और ये चौथा ऐसा शिप है जो आपका पीएस टोपैस पीएस कॉन्स्टेंट पेट्रोल बोट हरमीज सेशल्स बना पहली अफ्रीकन कंट्री जिसको मेड इन इंडिया कोविड 19 वैक्सीन मिली थी इंपॉर्टेंट वन रियली इंपॉर्टेंट वन मेड इन इंडिया कोविड नाइनटीन वैक्सीन पहला अफ्रीकन कंट्री कौन सी थी इज देख सकते हो ये रहा अफ्रीका ये पूरी पूरी अफ्रीका है ये देखो ये दिख रहा है पाकिस्तान नीचे इस तरफ इंडिया है ठीक है सो so, इतनी दूरी है सेशल्स की यहां पर सेशल्स के आसपास कौन सी कंट्री है सोमालिया है इधर तंजानिया है मैदागास्कर है यहां पर याद थोड़ा सा इमेज बना लो अभी हाल ही में आरबीटेंडन में भी एक मैप आ गया था पूछो जिन्होंने आरबीटेंडन दिया है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देख लो मैप पूछ लिया तो उसमें मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन मुझे किसने कमेंट किया था मुझे याद है कह रहा था कि सर आपने जो नया पैटर्न शुरू किया बहुत बढ़िया शुरू किया उसमें आप मैप बताते हो एक क्वेश्चन मैप से आ गया था ठीक है चलो टीका उत्सव कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन ड्राइव ओके आ, अरे ये लुलुबी साहब हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं क्या करें कमेंट्स में भी करते रहते हैं मैं कभी ब्लॉक करता नहीं अपने आप वैसे लोगों को ना अपने आप वो रियलाइज हो जाती हैं चीजें एक एक दो महीने बाद हो जाती है तीन महीने बाद हो जाती है ब्लॉक करके क्या फायदा लुलुबी जी को है ना करने दो अपने आप बोलते रहेंगे अपने आप टाइम वेस्ट होता रहेगा उल्टा बढ़िया आपका कंपटीशन कम हो रहा है ये लोग कमेंट करते रहते आप पढ़ते रहते हो तो कंपटीशन अपने आप ही कम हो रहा है ना उनका ध्यान तो होता नहीं पढ़ने में सो so, टीका उत्सव इज अ वैक्सीन फेस्टिवल इट इज टू बी हेल्ड बिटवीन द्यारह से चौदह अप्रैल के बीच में और ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे वीडियोस में जाके ना मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं उनको वो बहुत बढ़िया लगती हैं वो ड्रामा नहीं लगता और यहाँ पर जब क्लास में पढ़ाओ और क्लास में जब रियलिटी बताओ तो इनको ड्रामा लगता है ऐसे लोगों के अपनी माता पिता की बातें में ड्रामा लगती हैं जब वो कुछ समझाते हैं तो टीका उत्सव वैक्सीन फेस्टिवल है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में किया गया है यहाँ पर एंड इट विल ऑल्सो फोकस ऑन वेस्टेज ऑफ कोविड नाइनटीन वैक्सीन करंटली थ्री स्टेट्स राजस्थान गुजरात को सबसे ज्यादा डोजेज मिल रही है कोवैक्सीन कोविशील्ड कोवैक्सन एंड कोविशील्ड दो दवाइयाँ सबको मालूम है चल रही हैं, न्यूज में है अभी तक यहाँ पर 64 फोर मिलियन की डोजेज यहाँ पर वैक्सीन के फॉर्म में दी जा चुकी है 84 फोर कंट्रीज को अलग अलग कंट्रीज को दी जा चुकी है अब ये एक recent आज की या कल की न्यूज थी कवर करूंगा उसमें इस वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है कि एक्सपोर्ट नहीं किया जा जाएगा ठीक है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है उसकी कैटेगरी चेंज कर दी गई है की ठीक है प्रोहिबिटेड कैटेगरी में उसको डाल दिया गया है 250 मिलियन पीपल की एक टारगेट रखा गया हाई प्रायोरिटी कैटेगरी जुलाई 2021 तक इन्होंने कहा है कि 250 मिलियन 10 मिलियन लग चुकी हैं 100 मिलियन लोगों को लग चुका है जो इंडिया ने सबसे जल्दी टारगेट अचीव किया है ठीक है बाकी कंट्रीज के मुकाबले सो टीका उत्सव कब से कब तक याद रख लेना तीन स्टेट्स कौन से सबसे ज्यादा वहां पर मिल रही है यहां पर आपका महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात में दो हैं कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड ये दो कंपनीज हैं इनके बारे में यहां लिखा हुआ है कौन सी कंपनी ने बनाई क्या क्या फंडा चल रहा है इनका ये दोनों की दोनों आपकी हैं कोवैक्सीन एंड दी कोविशील्ड अच्छे से समझ लीजिए अच्छे से याद रख लीजिए कौन सी कंपनी ने बनाई है एग्जाम में पूछा जा सकता है कोवैक्सीन किसने बनाई है कोविशील्ड किसने बनाई है दोनों टीकाउत्सव एट्टी फोर कंट्रीज 250 मिलियन का टारगेट है कब तक है जुलाई 2021 तक का आपका टारगेट है राइट right. ओके okay. चलो आगे चलो इंडिया फ्यूल कंज़प्शन कॉन्ट्रैक्ट 9.1 परसेंट इन फाइनेंशियल परसेंट से गिर गया पेट्रोल कंजम्पन छह पॉइंट सात प्रतिशत से गिर गया डीजल कंजप्शन वी टू पॉइंट सेवन टू मिलियन टन एंड पेट्रोल ट्वेंटी वाज 27.95 मिलियन टन हुआ ठीक है ओके सो ओवरऑल इंडिया कंज्यूम्ड दिस मच ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर ओके प्रीवियस ईयर इतना था इस बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कम हुआ है तो ये फिगर ये फिगर याद रख लेना डीजल की फिगर पेट्रोल की फिगर याद रख लेना कितनी यहाँ पर हुई है एंड द जेट फ्यूल कंजप्शन फेल बाय 53.6 क्योंकि एयरलाइंस बंद रही थी पूरे के पूरे साल में डोमेस्टिक कुकिंग एस एल इनका कंजम्प्शन भी यहाँ पर कंजप्शन इंक्रीज हुआ LPG का घर में बैठे क्या करना है घर में बैठे खाना ही तो बनाना था और करना क्या था ठीक है सो दैट वॉज द थिंग विच जिसकी कीम जिसकी आपकी कंजप्शन इंक्रीज हुई क्योंकि पति लोगों ने काफी ट्राई किया घर पे खाना बनाने का पत्नियों ने आराम किया पतियों ने खाना बनाया घर में बैठे है ना खाना बनाकर उनको खिलाया तो ऑब्वियस जब पति खाना बनाएगा जिसको खाना बनाना ही नहीं आता तो गैस तो ज़्यादा लगाएगा ना वो घर में है ना गैस तो ज़्यादा फूकेगा क्योंकि पहली रोटी बनाई वो सड़ गई दूसरी रोटी बनाई वो सड़ गई तो दो रोटियों में तो गैस चली ना तीसरी रोटी जाके बनी तो स्क्वायर बन गई गोल की बजाय तो होता है सभी के साथ हुआ है है ना मेरे साथ नहीं होगा क्योंकि मैं तो बैंक जाता था अपने साथ तो नहीं अपने तो बच गए है ना अपने तो लॉकडाउन में नौकरी करने जा ही रहते फिर भी कोई कुछ नहीं कहता फिर भी लोग घर में बैठे दो गज दूरी मास्क का जरूरी हम लोग बाहर निकलते थे हैं हमें तो डर ही नहीं था हम तो पूरा का पूरा जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकलते थे हमें तो कोरोना होता है हो ही नहीं सकता था ना पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल जो है इसने ये रिपोर्ट दी है 2002 हजार दो में इसने स्टार्ट किया था पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल वाज वाज क्रिएटेड क्रिएटेड इन 2002 इट आफ्टर डिसमेंटलिंग दी एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग मैकेनिज्म इन पेट्रोलियम सेक्टर ओके सो इसने ये आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट दी है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ने राइट सो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा सारा का सारा जो आपका डाटा आया है पिछले साल कितना इस साल कितना द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 2020 ओके यूनियन मिनिस्टर एनईपी दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने यहां पर लॉन्च किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर स्टू अच्छा पूरा का पूरा यही है स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन दैट दी सार्थक ओके okay, सार्थक नाम का यहां पर एक प्रोग्राम एक ऐप कह लीजिए ये लॉन्च की गई है आपकी सार्थक नाम की ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करने के लिए सार्थक नाम का एक प्लान लॉन्च किया गया है फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन किसने बनाई है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आपका आता है इसने ये आपकी बनाई है यह आपके रिलीज की गई एज अ पार्ट ऑफ तो सेलिब्रेशन जो कि अमृत महोत्सव अभी चल रहा है उसी के उसी के दौरान आपकी का एक पार्ट बनाएगा इसको और इंप्लीमेंटेशन uh, प्लान अगले दस सालों तक क्या क्या चीज की जानी है आपकी एनईपी के तहत ये चीज आपकी यहां पर बातचीत की गई टीचर फेस्ट शिक्षक पर्व ऑर्गेनाइज सितंबर 2020 में किया गया था किस तरह से यहां पर एनईपी की रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए ऑलरेडी 2020 में एक शिक्षक पर्व ऑर्गेनाइज किया जा चुका है एंड सार्थक का, का काम यहां पर लिखा हुआ है. 297 जो है किस तरह से आपके इंप्लीमेंट होंगे क्या क्या चीजें उसमें इंप्लीमेंट होगी ये सब चीजें राइट ओके सो दिस इज दी स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षक पर्व ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर 2020 में सार्थक किसके द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल निशांक के द्वारा लॉन्च किया गया है यह एक अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है ओके okay, रमेश पोखरियाल निशांक ये क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है आ, जिन लोगों को नहीं पता मैं दो दिन से गया हुआ था बाहर था जयपुर गया हुआ था वहां पर मैंने पाँच सी टी डब्ल्यू टी के इंटरव्यूज़ लिए हैं सी टी डब्ल्यू टी का इंटरव्यूज़ कैमोबाइल टी टॉपर्स के इंटरव्यू पाँच एस बी एफ पी ओ जो सिलेक्टेड हुए हैं उनके लिए हैं मैंने हाँ चार मैंने लिए हैं एक स्मृति मैम ने लिया है इंटरव्यू ठीक है तो टोटल टो टो पाँच इंटरव्यूज आपके जल्दी बहुत जल्दी सामने आएंगे जिसमें स्नेहिल का भी इंटरव्यू है दीक्षा है एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यू में ऋतिका है एक इंटरव्यू आपका शुभम का है ओके okay, एक इंटरव्यू शाहीन का है ये पांच पर्सनस के इंटरव्यू बहुत जल्दी आएंगे और एक नॉलेज फाइट सेकंड पार्ट भी आया है मतलब नॉलेज फाइट आपने मैम और मेरे के बीच में देखा होगा एक और नॉलेज फाइट आया है आ, मेरे मैम और एक और, एक एक और हमारे साथ एस बी पी ओ था तो हमारी दो दो की टीम हुई थी तो नॉलेज फाइट नॉलेज फाइट में ये एक क्वेश्चन है देखने को आपको मिलेगा ठीक है तो वो मुझे याद आ गया क्वेश्चन देखकर ये क्वेश्चन नॉलेज फाइट में मैंने पूछा था थक जो कि लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशांक के द्वारा इसके अलावा भी ने थे। ने थे नहीं था और भी छोटी छोटी वीडियोस और भी आपको देखने को आने वाले डेज में एक दो महीने में सारी वीडियोस आपको आ जाएंगी मिल के ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं आ...

पुश इट टूवर्ड्स दिस स्टेम रिसर्च एंड इनोवेशन कोलेब्रेशन जस्ट इतना इसमें ज्यादा नहीं सोचना जस्ट इतने में इतना ही याद रख लेना कौन सी एजेंसी ने अभी हाल ही में दो सौ पचानवे अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट किया है राइट आंसर आपका रहेगा क्या हो गया इको कैसे होगी हेलो 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 यू आर बफ सुन रहा है ठीक है, okay. है चलो सी एस आई आर साइंटिस्ट अटल टैम रिसर्च एंड इनोवेशन जस्ट साइंटिस्ट के बारे में याद रख लेना अटल इनोवेशन मिशन के बारे में हम रोज रोज पढ़ते हैं मैंने पहले भी आपको बताया था अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में कुछ दिन पहले भी आपकी न्यूज थी मैंने स्लाइड इंक्लूड की थी ये रिसेंट इवेंट्स हुए हैं अभी हाल ही में एक आ, अप्रैल uh, 2021 की न्यूज़ है एक चेतन वैष्णव मिशन डायरेक्टर सी पी तो, आई एस अटल इनोवेशन मिशन ने अभी हाल ही में साइन किया जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी इसरो ने सौ ए टी एल्स अडोप्ट किए थे जनवरी 2021 की ये न्यूज़ थी आपकी एंड ओके एंड नेक्स्ट थी आपकी uh, कुछ रिसेंट एक अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक रिलीज की गई थी एंड दी एल एन आई सी सी बी एस सी मीति ने मिलकर लॉन्च की गई थी एक ई बुक इंडिया कंट्रीब्यूट पांच लाख यूएस डॉलर टू यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म फंड ओके तो यहाँ पर टी एस त्रिमूर्ति इंडिया के परमानेंट सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन ये न्यूज हमने पहले करी तो ही है, मेरे ख्याल से क्यों ये न्यूज ओके पांच लाख यहां पर एक यूएस डॉलर यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया कंट्रीब्यूट किया गया इंडिया के द्वारा यहां पर यूनाइटेड नेशन को दिया गया है फंड विद दिस इंडिया टोटल कंट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशन काउंटर फंड टेरिज्मीरोन पॉइंट जीरो 1.05 मिलियन हो चुका है अब इंडिया की फंडिंग आपका यूनाइटेड नेशन को टेररिज्म के लिए यहां पर आपका एंड द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फॉर काउंटर टेररिज्म वाज़ बाय टेरिज्मिश सेक्रेटरी जनरल इन 2009

कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए ग्लोबल लेवल पे और रिसेंटली हमने न्यूज़ पढ़ी थी अभी हाल ही में ही अभी कुछ दिन पहले ही तीन लाख यूएस डॉलर यूनाइटेड नेशन वीमेन के लिए दिया गया था ओके okay, अच्छा ये वाली न्यूज थी हमने जो पढ़ी थी ना मुझे ऐसे याद आ रहा है मैंने कहा ऐसी कोई न्यूज पढ़ी थी ठीक है ये टेरिज्म के लिए दिया गया पाँच लाख और ये आपका दिया गया था यूनाइटेड नेशन वीमेन को तीन लाख डॉलर ठीक है ये न्यूज हमने पढ़ी थी चलो आगे चलते हैं एडीबी ने अप्रूव किया यहां पर आ, चार सौ चौरासी चेन्नई से कन्याकुमारी के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सेटअप करने के लिए मेंटेन करने के लिए यहां पर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए फोर एट्टी फोर मिलियन डॉलर का लोन यहां पर दिया गया है एडीबी के द्वारा एडीबी के द्वारा किसके लिए दिया गया है चेन्नई से कन्याकुमारी चेन्नई से कन्याकुमारी आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अपग्रेड करने के लिए 590 ऑफ स्टेट इसके लिए फंडिंग फाइव नाइनटी किलोमीटर सी के आई सी जो है वो आपका कवर होता है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक आपका जो जाता है उसी का एक पार्ट है सी के आई सी एडीबी मनीला सिक्सटी एट मेंबर्स नेक्स्ट okay, so right. चलते हैं आ, ये रीसेंट इवेंट्स आराम से पढ़ लीजिएगा हाल ही में ए ने क्या क्या किया है बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए ये आपके लिए एक नया समय कुछ लेकर आया रिसेंट इवेंट्स का कॉलम राइट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री amends emission norms for thermal power plant. ओके थर्मल पावर प्लांट ओके मेरे यहाँ से बठिंडा बहुत नज़दीक है वहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट है मैं जब भी ट्रेन से जाता था यहाँ से अपने दिल्ली जाता था मैं बचपन में बहुत बचपन में हाँ सभी छोटे होते हैं मैं भी छोटा था बचपन में तो जब जाता था तो जब ट्रेन में जाते थे बठिंडा से क्रॉस होती थी ट्रेन तो ट्रेन के एक साइड में ये थर्मल पावर प्लांट दिखता था दूसरी साइड में नहीं दिखता था तो मेरी सीट बाई चांस ट्रेन के दूसरी साइड आती थी जब भी ये स्टेशन जब भी आने वाला होता था वो साल में एक दो बार मैं दिल्ली वगैरह जाता रहता रिलेटिव्स रहते थे तो मैं भाग के दूसरी तरफ आ जाता था और वहाँ पर जो भी अंकल बैठे थे उनको बोल देता अंकल मुझे पाँच मिनट के लिए सीट दे दो तो मैं इसको देखता था बहुत ऊँची ऊँची मीनारे मतलब बिल्कुल नज़दीक से निकलती थी ट्रेन इसके और मतलब बहुत फैसिनेटिंग सी लगती थी ये वाली पूरी पूरी बहुत ऊँची सी बिकती थी अब जाते हैं तो दौगा यार ठीक है ठीक है बचपन की यादें लगी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक्सटेंड्स दी दी कंप्लायंस टाइमलाइन ऑफ थर्मल पावर प्लांट विद रिड्यूस पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस सो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहां पर कुछ टाइमलाइन एक्सटेंड्स दी कंप्लायंस टाइमलाइन थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कुछ पेनल्टीज को कम किया है रिड्यूस पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस प्रीवियसली द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स वर प्लांट टू बी इन विद बाय दिसंबर 2022 तक उनको कंप्लीट करने का आदेश दिया था जो भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की थी कि एस एमिशन गाइडलाइंस है पोल्यूशन लेवल होना चाहिए इतना नहीं होना चाहिए ये चीजें आपकी आ, एमिटेड होनी चाहिए इतने लेवल तक होनी चाहिए तो वो गाइडलाइंस आपकी कहा गया था किसको कोल बेस थर्मल पावर प्लांट्स को कि दिसंबर 2022 तक तो भाई साहब कंप्लीट कर लो या फिर प्लांट को बंद कर दो ठीक है अब यहां पर ये एक टाइमलाइन जो थर्मल पावर प्लांट के लिए दी गई थी उसको यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया थर्मल पावर प्लांट बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड है कैटेगरी ए बी सी यहां पर अगर कोई भी प्लांट किलोमीटर के रेडियस में है एनसीआर जो कि आपके दिल्ली वाला आसपास है और या फिर सिटीज जिनकी एक मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है उनको एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट 31 दिसंबर 2022 तक लगाने हैं अगर वो कैटेगरी बी में है तो 31 दिसंबर 2023 तक लगाने हैं कैटेगरी सी में है तो इकतीस दिसंबर दो हजार चौबीस तक इनको कहा गया है ओके okay, और ये कौन से सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं राइट ओके रिसेंटली अभी न्यूज आई थी एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी कॉप ट्वेंटी सिक्स की जिसमें हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने पार्टिसिपेट किया था ओके okay, चलिए ये है आपकी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से न्यूज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एम एंडीशन नाउ फॉर थर्मल पावर प्लांट डेट्स यहां पर याद रखनी है आपको कैटेगरी ए बी सी तीनों के तीनों और डेट वाइज आपको याद रखना पड़ेगा तीन ग्रुप्स में ये इंट्रोड्यूस किया गया थर्मल पावर स्टेशन के बारे में लिखा हुआ है कुछ न्यूज जो रिसेंटली आपको थर्मल पावर स्टेशन से देखने को मिली है उन न्यूज के बारे में है कुछ स्टैटिक पोर्शन है थर्मल पावर प्लांट का जो एग्जाम पॉइंट से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल पावर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पावर कितना यहां पर कंट्रीब्यूशन है विध्याचल थर्मल पावर प्लांट पावर स्टेशन इन सिंगरोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जिसकी कैपेसिटी फोर सेवन सिक्स जीरो है यह इंडिया का सबसे बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट है

इंडिया अनाउंस मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप टू टू थाउजेंड बांग्लादेशी स्टूडेंट्स से टू थाउजेंड बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के द्वारा को आपकी यहां पर मुक्ता जोधी स्कॉलरशिप दी गई इंडिया ने यह अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है स्कॉलरशिप टू 2000 थाउजेंड बांग्लादेशी स्टूडेंट्स दो हजार बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को यह दिया जाएगा मुक्ति और लिबरेशन वॉर फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश अंडर न्यू मुक्ति फाइटर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत द न्यू वर्जन स्कीम वॉज लॉन्च इन टू ओके थक गए यार आज कितनी न्यूज पड़ी देखें तो कल इंक्लूड कर देंगे ए आरडब्ल्यू यू रैंकिंग ओके यू ग्रो कैपिटल ओ हम्बानी जी काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं अच्छा फाइन लगाया पच्चीस करोड़ का इनके लिए पच्चीस करोड़ क्या खास बात ओके okay, अच्छा फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर ओलम्पिक्स के लिए क्वालिफाई नासा इनगूनिटी टू मेक फर्स्ट फ्लाइट अटैम्प्ट ओके लाज और फियर वल कैनो इप इन सदर्न कैरेबियन कैरेबियन कहाँ पर है अच्छा यहाँ पर है कैरेबिया ओके okay, ये कैरेबियन स्टेट्स आ गए कैरेबियन कंट्रीज सॉरी आ गई क्योंकि बी पी कानून को ये काफ़ी खैर थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है बट चलो आज मैं इंक्लूड कर ही रहा हूँ काफ़ी दिन हो गए इनको रिटायर हुए खैर ये आर बी ए के बारे में ये एक अख्तरी द लाइफ एंड म्यूज़िक बेगम अख्तर और ये एक जर्नलिस्ट इनका निधन हो गया कोई बात नहीं कल इंक्लूड करेंगे इसको अभी एम सी क्लास में आ जाओ एम सी क्लास करते हैं कंटिन्यू कल की क्लास में इंक्लूड कर दूंगा कल की क्लास मान के चलो थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी हमारी ठीक है कोशिश करूँ साढ़े छः पौने साथ कल की क्लास स्टार्ट कर देंगे ताकि साढ़े सात तक हमारी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए पीडीएफ कोर्स जिन्होंने नहीं लिया स्टिल यू कैन परचेज दैट और जो पीडीएफ कोर्स से क्वेरी आपको आ रही है सर थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है जस्ट गिव मी वन टू डेज बिल्कुल टाइम से हो जाएगी अभी थोड़ा सा परेशानी चल रही है रीज़न कुछ है उसके पीछे बट uh, थोड़ा सा टाइम दीजिए जस्ट हार्डली टू डेज दीजिए मैनेज कीजिए टू डेज आपको हार्डली एक दो बजे तक तो वैसे अपलोड हो जाएगी बट फिर आपकी सुबह जैसे होती थी वैसे अपलोड होगी ठीक है बाकी पीडीएफ कोर्स जिसको लेना है 9000 क्वेश्चंस हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी की सारी डिटेल है हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन है बायलिंगुअल हैं प्री के मेंस के सभी तरीके के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के साथ आपको प्रोवाइड किए गए हैं बाय करना चाहते हैं नीचे लिंक क्लिक कीजिएगा ज्वाइन कीजिएगा एनुअल मॉक टेस्ट अगर आपने खरीद रखा है तो 450 में मिलेगा अगर नहीं खरीद रखा तो 500 में मिलेगा और अगर एनुअल मॉक टेस्ट खरीदते हो तो एक साल की वैलिडिटी में आपको सारे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे एक साल के लिए जिसमें इवन ऑल इन वन मॉक टेस्ट जो हमने स्टार्ट किया नया वो भी इंक्लूड होगा प्रीलिम्स मेंस के बाय में और आपको लेवल अच्छा लग रहा होगा इसका बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज की गई है बनाई गई है एंड एंड जिसको भी ये पैकेज इन्होंने ले रखा है टेस्ट का या फिर पीडीएफ कोर्स का एक बार जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसा लग रहा है और मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस का लेवल देखकर ऑब्वियस है डेफिनेटली आपको मजा आ रहा होगा ओके okay, चलिए मिलते हैं एमसी क्लास में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है क्लिक करो ज्वाइन करो तुरंत आ जाओ फटाफट से वहां पर करते हैं एमसीक्यूज पिछले दो तीन दिन के जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे के सारे निपटा देंगे टेक केयर व बाय पी डी में सारे के सारे न्यूज़ की दे दूंगा बट कल हम इन न्यूज़ को जो रह गई हैं वो कवर ज़रूर करेंगे कल सुबह जल्दी क्लास हो जाएगी लव यू ऑल टेक केयर आई थिंक कोई क्वेरी क्वेरी तो होती नहीं है है ना आ जाओ फटाफट भाग के आ जाओ एम सी